हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह हो गया है मेरा मूड ऑफ, बिकॉज डिम्पल खाई है मुझसे मार। वो सुबह 8 बजे तक सोती रहती है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है, जिसके चलते उसको बहुत मार पड़ी। बहुत मतलब एक दो ही उसके लिए बहुत हो जाता है, तो उतना पढ़ चुकी है। सुबह सुबह कोटा उसका पूरा हो चुका है और पूरा दिन भी है। देखते हैं कितना खाती है आज मार, क्योंकि सुबह सुबह मार जो बोलते हैं ना, सुबह जो उठ के हम लोग जो काम करते हैं दिन भर वही काम होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो आज तो सुबह उसका हो चुका है, तो देखते हैं शाम तक रात तक कितना खाती है। और 2-3 लग तो जाएगा, लग रहा है उसका बिहेवियर सर मेरा गुस्सा से। इसको अच्छे से मिला देंगे, बिकॉज आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाई हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं बना, मेरा मूड ठीक नहीं है कुछ भी बनाने के लिए। तो बस ऐसे ही दूध बिस्किट आज उसका ब्रेकफास्ट है। अरे बिस्किट भी खाओ, बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते खा भी लो, कोई बात नहीं, खाओ। मैंने ऐसे कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाई हूँ, कल का जो दूध था वो फट गया है, तो चाय भी नसीब नहीं हुआ है मुझे आज। मैंने जस्ट लेमन टी पी हूँ डिम्पल के लिए, दूध बिस्किट और कुछ नहीं। थोड़ा सा दूध जो अभी दे के गया है, अभी बॉईल करके तुरंत उसको दे दी। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, सुबह से अभी तक चाय नहीं पी पाई, जिसके चलते थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड मेरा सर दुखना भी शुरू हो गया है। तो चलते हैं, थोड़ा चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। देखिए कैसे दूध का हालत हुआ है, फट गया है पूरा दूध, और अभी इतना ही बस दूध बचा हुआ है, तो अगेन मुझे दूध मंगाना पड़ेगा। आप लोग बताइए, आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के आप लोग क्या क्या करते हैं? अभी तो बाकी तो हमारा सब काम खत्म हो चुका है, जैसे कि बर्तन, झाड़ू, घर का साफ सफाई, सब चीज़ खत्म हो चुकी है। बस अभी मैं बना रही हूँ दूध वाला चाय। अपने लिए ही बनाऊंगी, अकेली हूँ और कोई पीता ही नहीं है, तो मेरा ही है बस। लेकिन दिन में घर में रहूँगी तो 7-8 बार, नहीं 7-8 बार तो नहीं है, 4-5 बार तो कन्फर्म है, और बाहर जाऊँगी तो ओनली 2 टाइम्स। जैसे कि जो ऑफिस टाइम था ना, ऑफिस टाइम में 7-8 बार हो जाता था। मैं बहुत चाय पीती हूँ, मैं चाय लवर हूँ, चाय लवर। आप लोगों को कैसे पसंद है या नहीं पसंद है चाय, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे तो चाय बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लेमन टी ऐसे पी लेती हूँ, बट चाय दिन में 10 बार पीती हूँ। जितना मैं पतली नहीं होती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैंने फूलती जाती हूँ, देखिए क्योंकि चाय में शुगर रहता है, दूध रहता है, तो फैट तो हो ही जाएगा। तो ऊपर से हम लोग उड़ीसा वाले हैं, उड़ीसा वाले तो ज़्यादा पखाल, चावल, ये सब चीज़ हमारा रोटी फूटी होता है, बट वन टाइम होता है, लेकिन हम लोग बिना चावल में रह नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा कंपलसरी है चाय, कंपलसरी है चावल, कंपलसरी है पखाल, जिसके चलते हम लोग चाह कर भी ना पतला नहीं हो पाते हैं। होते हैं कोई कोई बहुत पतला, जो कि जेनेटिक से लेके आते हैं, तो लेकिन हम, मेरे जो भी फैमिली है सब टाइप का है, तो इसलिए मैं भी ऐसी ही हूँ। और मेरी बेटी लेकिन पता नहीं इतनी पतली दुबली कैसी है। मेरे हस्बैंड के सब वहाँ, वो लोग भी बहुत मोटा, मतलब मोटा तो नहीं लेकिन साउंड हेल्थ है सबका, लेकिन पता नहीं मेरा इसका बेटी का इतनी पतली दुबली कैसे हो गई है। चलो उसको, लेकिन मैंने खाना पीना खिला खिला के खिला खिला के मैं उसको मोटी कर दूंगी कैसे भी, पता नहीं कब करूंगी, लेकिन जरूर होगी वो मोटी, जरूर होगी। तो चलिए हमारा अभी दूध गर्म हो गया, हम लोग अभी चाय पत्ती डालते हैं चाय में। वाओ, चाय पत्ती डालते ही उसका जो खुशबू होता है ना, अभी हम डालते हैं चाय में चीनी, इसके बिना तो चाय का कोई भी मजा नहीं है। तो हम डालते हैं चीनी, मैं थोड़ा कम चीनी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेंटेन करती हूँ, जो कि कभी होता नहीं है। तो थोड़ी देर बाद हमारा हो जाएगा चाय, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए मैं चाय पी के
ये अंकल कहाँ से आ गया? चलिए मैं चाय पी के आप लोग के साथ बात करते करते चाय पी लूंगी, फिर मैं जाऊंगी अपना काम पे। आप लोग देख पा रहे हैं हमारा हो गया चाय पूरी तरह रेडी, और एक दो बार उबालने के बाद हम लोग गैस को कर देंगे ऑफ, फिर चलते हैं चाय के साथ बिस्किट लेके मजा में पीने के लिए। यहाँ डिम्पल कर रही है पढ़ाई, चलते हैं देखते हैं एक्चुअली पढ़ाई कर रही है और कुछ कर रही है। तुम्हारा अभी तक खत्म नहीं हुआ? दी थी खाने के लिए। अच्छा, लिखने से मैं क्या बोली, ये पूरा ठंडा हो गया है, क्या होगा वो खाना? और ऊपर से उसको भी पढ़ाई भी करना है, जब तक आज कंप्लीट नहीं करोगे ना घर से निकलोगी ही नहीं बाहर, खेल कूद तो दूर दूर का बात है। दोस्तों मैं अभी नहा के फ्रेश होके आ चुकी हूँ, अभी जाऊँगी खाना बनाने के लिए। आज कुछ खाना बनाने का कुछ खास मूड नहीं है, तो आज नॉर्मल पकल और कुछ भी भजा, जैसे कि मैंने अभी काट के रखी हूँ पम्पकिन को तवा फ्राई करने के लिए, और परवल को भी रखी हूँ तवा फ्राई करने के लिए, उसको बॉयल करके नहीं करूँगी बिकॉज मैं मूड नहीं खाना बनाने का, तो ऐसे ही बस मसाला डाल के मिला के उसको तवा में रख दूँगी 5 मिनट के लिए पका के, उसको पलटा के निकाल दूँगी। हो गया आज का लंच। ऐसे तो सर भी दुख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मूड भी ऑफ है, बहुत सारा टेंशन भी है, तो चलिए कुछ भी बना लेते हैं, पेट है खाना ही है, तो चलते हैं। आज हो गया है हमारा पम्पकिन का तवा फ्राई, और परवल का वहाँ पे बैठा हुआ है, तो 5 मिनट लगेगा, हो जाएगा, होने के बाद खा के मैं निकलूँगी। डिम्पल यहाँ पे पढ़ा रही है अपना गुड़िया लोग को, लेकिन खुद नहीं पढ़ती है, लेकिन बहुत पढ़ाने लगी है आजकल, मास्टरियाणी बनी है, टीचर बनेगी आगे जाके। लेकिन आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, तब तक अपना ध्यान भी रखना, कल मैं अगेन मिलती हूँ आपके साथ एक नया ब्लॉग के साथ, थैंक यू। अच्छा है ना, आज मेरे बच्चों को मार दी मैंने बच्चे को मेरे बच्चे को मैंने मार दिया आज।